श्री राम समर्थ जनवरी 12 नाम और भगवान। यह पूछने में कोई तथ्य नहीं है कि राम राम कहने से राम कैसे मिलेंगे, बल्कि उल्टे यह कहा जा सकता है कि राम राम कहे बिना राम मिल ही नहीं सकते। व्यवहार में भी हमारा यही अनुभव है। मान लो हमें काशी जाना है और हम टिकट लेने स्टेशन पर गए और वहां काशी नाम बताए बिना टिकट मांगा तो लाख कोशिश करने पर भी हमें टिकट नहीं मिलेगा और हम काशी नहीं जा पाएंगे। इसके विपरीत काशी भी न देखी हो और सिर्फ नाम मात्र मालूम हो तो टिकट मिलेगा और हम काशी जा पाएंगे। और एक बात, काशी हमारी देखी हुई है, हम उसका पूरा वर्णन भी कर सकते हैं और केवल उसका नाम याद नहीं आ रहा है और टिकट बाबू से वर्णन के आधार पर टिकट मांग रहे हैं तो टिकट नहीं मिलेगा। तो इसे एक बात स्पष्ट है कि हम चाहे कितनी ही बातें करें, नाम लेना अर्थात नामस्मरण करना आवश्यक है, अन्यथा कोई काम नहीं होगा। यह विश्वास होना चाहिए कि नामस्मरण से भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के नाम की आवश्यकता दो प्रकार से है। एक, गृहस्थी का स्वरूप समझ में आए इसलिए, और दूसरा इसलिए कि भगवान की प्राप्ति हो। यह हमारी समझ में नहीं आता कि खाने पीने के लिए भरपूर है, बीवी बच्चे घर बार आदि सब वैभव हैं, फिर भी हमें चिंता और बेचैनी क्यों होती है। इसका मतलब यह है कि दुख की निर्मिति अन्यत्र कहीं से होती है, यह समझ नहीं पाते। तो यह समझ पाए इसलिए नामस्मरण की आवश्यकता है। भगवान के लिए तड़पण निर्माण होने तक नामस्मरण की जरूरी है और बाद में भगवान के सिवाय और कोई आधार नहीं, इसलिए नामस्मरण करना चाहिए। अंत में भगवान के दर्शन होने के पश्चात तो नामस्मरण अभ्यास वश अपने आप होते रहता है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रारंभ से अंत तक नामस्मरण ही शेष रहता है। जो नामस्मरण करेगा और भगवान का ध्यान रखेगा, उसके भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा अपने आप निर्माण होगी। केवल नामस्मरण के लिए ही नामस्मरण करते रहेंगे तो उसमें कुछ राम है अर्थात उसमें ही कुछ तथ्य है, यह अनुभव होगा। नामस्मरण करते समय जो भी भला बुरा घटित होता रहेगा वह हमारे लिए कल्याणकारी ही है, यह भरोसा रखिए। भगवान का नाम ही वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप सद्वस्तु है। नामस्मरण करते समय जो अपने आप को भूल गया वही जीवन मुक्त है। जीवन में जो कुछ सदना है वह यही है। अन्य सभी बातें स्वप्नवत समझिए, उन बातों का हम अनुभव करते हैं लेकिन वे शाश्वत नहीं होती। देह से हम एक रूप हो गए हैं, इसका कारण हमारी आदत और तदनुकूल अभ्यास। इसके विपरीत यदि हम भगवान का ही चिंतन करते रहेंगे तो जैसे आज देह से एक रूप हो गए हैं, वैसे भगवान से एक रूप हो जाएंगे। आज का मुख्य विचार, सवेरे उठते समय, रात को सोते समय और भोजन के पहले नामस्मरण करने का नियम रखना चाहिए। यह जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Thank you.